बुलेटिन खबर का आगाज इस अहम खबर के साथ। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों पर मुकदमा चलाने के खिलाफ केस की समाप्त करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तहलील हुआ। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया, कभी हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदालती फैसलों पर अमल ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे सुहेर रशीद। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाप्त करने वाले 7 रुकनी लार्जर बेंच पर हुकूमत ने एतराज उठा दिया। समाज शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। वफाकी हुकूमत की हिदायत है उन पर एतराज उठाया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह फौरन बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हुकूमती एतराज पर शदीद बरहम। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन केस का फैसला 3 जजों का था या 4 का, आप एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाजा बना रहे हैं। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया, कभी हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, फैसलों पर अमल ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई, हम समझते हैं ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। इलेक्शन केस के फैसले पर कोई असूली एतराज नहीं, तनासुब पर एतराज उठाया गया। क्या हुकूमत एक मरतबा फिर तनासुब के इशू पर जाना चाहती है? मौजूदा केस बहुत सादा है, आप बुनियादी हकूक कैसे खत्म करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच एक मरतबा फिर टूट गया। चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे असलम खोकर ने हमें ज्वाइन किया। असलम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो केस की समाअत जारी है और दरख्वास्त गुजार जुनेद रजा के वकील सलमान अकरम राजा जो है वो अपने दलायल दे रहे हैं। उन्होंने अपने मौकफ में कहा कि मेरे वक्कल के बेटे का मामला भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही है, सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया है, जज कर सकता है। FPLE केस का जब फैसला हुआ तो इख्तियारात की तकसीम का असूल वाज़ेह नहीं था। इसके साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे पूछा कि FPLE केस तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स के ट्रायल पर होता है, कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल या कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता? जिस पर सलमान अकरम राजा ठीक है असलम, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको अपडेट कर रहे थे कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत, यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे दलाइल दिए गए, रिमार्क्स दिए गए। दरख्वास्त गुजार जुनेद रजाक के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल भी सामने आए। सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि मेरे मौकिल के बेटे का मामला फौजी अदालतों में है और ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात जज ही कर सकता है। FPLE केस तो रिटायर्ड फौजी अफसरान के ट्रायल पर था। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए, जबकि जस्टिस मुनीब ने यह कहा कि आप ये कह रहे हैं कि फौजी का भी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है? जिस पर सलमान अकरम राजा ने यह दलायल दिए कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स ये गए कि आप फिर मफरूजों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूँ होगा, ये इस तरीके से नहीं होगा। असलम खोकर हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। असलम, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बता रहा था, जब जस्टिस आयशा मलिक ने कुछ सवाल किए सलमान अकरम राजा से तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 175(3) के तहत जुडिशियल इख्तियारात कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है खुद एक केस में तय कर चुकी है कि जुडिशियल जो मामला हैं वो अदालत ही चला सकती है, और फौजी मामला से मुतालिक मुतअद्दिद फैसले जो हैं इस हवाले से मौजूद भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप मिलिट्री कोर्ट्स में फौजियों के ट्रायल पर जाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम बहुत सारा लोग हैं, हमें आसान अल्फाज में समझाएं, आप जो बातें कर रहे हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें, मैं मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन के ट्रायल की हद तक ही बात कर रहा हूं। ये सलमान अकरम राजा ने उस पर कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तो हम ये ही बताएं कि क्या सिविलियन को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सकता है? तो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सिर्फ किसी पर एक इल्जाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो दलाल है वकील सलमान अकरम राजा के वो जारी है और केस की समाअत भी इस वक्त जारी है। ठीक है, सलमान अकरम राजा इस वक्त दलाल दे रहे हैं और केस की समाअत भी जारी है। बेहद शुक्रिया असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, मजीद भी आपसे तफसील जानेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों पर मुकदमा चलाने के खिलाफ केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तहलील हुआ। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया, कभी हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदालती फैसलों पर अमल ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे सुहेर रशीद।
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाप्त करने वाले 7 रुकनी लार्ज जज बेंच पर हुकूमत ने एतराज उठा दिया। समाज शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। वफाकी हुकूमत की हिदायत है उन पर एतराज उठाया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह फौरन बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियार हुकूमती एतराज पर शदीद बरहम। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन केस का फैसला 3 जजों का था या 4 का, आप एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाजा बना रहे हैं। कभी कहा जाता है बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया, कभी हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का मजीद कहना था, हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, फैसलों पर अमल ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। हम समझते हैं ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। इलेक्शन केस के फैसले पर कोई असूली एतराज नहीं, तनासुब पर एतराज उठाया गया। क्या हुकूमत एक मरतबा फिर तनासुब के इशू पर जाना चाहती है? मौजूदा केस बहुत सादा है, आप बुनियादी हकूक कैसे खत्म करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच एक मरतबा फिर टूट गया। चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से, अपने नुमाइंदे असलम खोकर ने हमें ज्वाइन किया। असलम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो केस की समाअत जारी है और दरख्वास्त गुजार जुनेद रजा के वकील सलमान अकरम राजा जो है वो अपने दलायल दे रहे हैं। उन्होंने अपने मौकफ में कहा कि मेरे मुक्कल के बेटे का मामला भी मिलिट्री कोर्ट्स में ही है, सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया है, जज कर सकता है। FPLE केस का जब फैसला हुआ तो इख्तियारात की तकसीम का असूल वाज़ेह नहीं था। इसके साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक ने उनसे पूछा कि FPLE केस तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स के ट्रायल पर होता है, कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल या कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता? जिस पर सलमान अकरम राजा, ठीक है असलम, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको अपडेट कर रहे थे कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत, यहाँ दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे दलाइल दिए गए, रिमार्क्स दिए गए। दरख्वास्त गुजार जुनेद रजाक के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल भी सामने आए। सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि मेरे मुवक्किल के बेटे का मामला फौजी अदालतों में है और ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात जज ही कर सकता है। FPLE केस तो रिटायर्ड फौजी अफसरान के ट्रायल पर था। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए, जबकि जस्टिस मुनीब ने यह कहा कि आप ये कह रहे हैं कि फौजी का भी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है? जिस पर सलमान अकरम राजा ने यह दलायल दिए कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स ये गए कि आप फिर मफरूजों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूँ होगा, ये इस तरीके से नहीं होगा। असलम खोकर हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। असलम, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बता रहा था कि जब जस्टिस आयशा मलिक ने कुछ सवाल किए सलमान अकरम राजा से, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 175(3) के तहत जुडिशियल इख्तियारात कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है खुद एक केस में तय कर चुकी है कि जुडिशियल जो मामला हैं वो अदालत ही चला सकती है, और फौजी मामला से मुतालिक मुतअद्दिद फैसले जो हैं इस हवाले से मौजूद भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप मिलिट्री कोर्ट्स में फौजियों के ट्रायल पर जाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम बहुत सारा लोग हैं, हमें आसान अल्फाज में समझाएं, आप जो बातें कर रहे हैं वो हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें, मैं मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन के ट्रायल की हद तक ही बात कर रहा हूं। ये सलमान अकरम राजा ने उस पर कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि तो हमें ये ही बताएं कि क्या सिविलियन को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सकता है? तो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सिर्फ किसी पर एक इल्जाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो दलाल है वकील सलमान अकरम राजा के वो जारी है और केस की समाअत भी इस वक्त जारी है। ठीक है, सलमान अकरम राजा इस वक्त दलाल दे रहे हैं और केस की समाअत भी जारी है। बेहद शुक्रिया असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, मजीद भी आपसे तफसील जानेंगे।